Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. आई होप यू all आर डूइंग फाइन एंड title से आप लोगों ने पढ़ लिया है कि आज होने वाली है एक हॉल वीडियो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम हॉल वीडियो कब बनाई थी मैं काफ़ी ज़्यादा रैंडम ने इधर उधर शॉपिंग कर रही हूँ बट मैंने हॉल वीडियोस बनाना पता नहीं क्यों बिल्कुल छोड़ दिया एंड यू गाइस सीम टू लव हॉल वीडियोज़ तो अभी मैंने नायका की पिंक फ्राइडे सेल से कुछ चीज़ें उठाई जबकि मैंने सोचा था इस बार शॉपिंग नहीं करूँगी एंड आई एंड एड गेटिंग सो मच दिस डब्बा इज़ फुल्ली स्टॉफ एंड आई ऑल्सो प्लेस फॉर एंड ऑर्डर फॉर सम प्रोडक्ट्स ऑन एम जॉन तो मेरा इस बार मेनली हेयर केयर पे फोकस था क्योंकि ये देखो मैं लिटरली गंजी होने लगी हूँ एंड इट इज़ बिकॉज मुझे ना डेंगू हो गया था एंड डेंगू के बाद दो महीने के बाद आफ्टर तो यू रिकवर तो टू मंथ्स पोस्ट रिकवरी आपको हेयर फॉल होता है एंड इट इज़ नॉट योर यूजअल हेयरफॉल लाइक मैं आज तक वीडियोज़ बनाती थी हेयरफॉल की मुझे हेयरफॉल हुआ इन द पास्ट ऑल्सो बट पोस्ट डेंग्यू हेयरफॉल इज़ नॉट योर यूजअल हेयरफॉल मेरे टू थर्ड बाल खत्म हो गए एंड दिस इज़ ऑल देट आई एम लेफ्ट विद ऑल ड्राई डेड डैमेज एंड लिटरली ओनली वन थर्ड इज़ ऑन माई हेड एंड यहाँ से सब मैं बोल्ड हो चुकी हूँ देर यू नो इधर डेंसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है सो येस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग वॉट ऑल आई गॉड कीप ऑन वॉचिंग दीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू डू माई चैनल प्लीज़ टेक आउट द मूमेंट एंड हिट दैट एज सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन मेल राइट नेक्स्ट वेट सो दट एव टाइम आई अपलोड इन यू वीडियो यू गैट नोटिफाइड नाउ विदउट एनी फॉर द ब्लाबरिंग लट्स जस डाइव राइट इन ट विडियो ओके okay, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नायका के पैकेज से बिकॉज इसमें ही मोस्टली स्टफ़ है अमेजोन से तो बस पाँच छः ही चीज़ें मंगाई थी ऑफ द टॉप आई कैन सी इज़ दिस इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स का मेकअप ब्रश क्लीनर एंड दिस इज अ क्विक क्लीन लाइक आप जब मेकअप कर रहे हो उसी समय आप इससे अपने यू नो ब्रशेज क्लीन कर सकते हो तो ये ऐसे एक का डब्बा है एंड मैं प्राइसेस सब स्क्रीन पर डाल दूँगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप चेकआउट कर लेना एंड इसके अंदर ना ये ब्लैक कलर का है तो जब मैंने इसको देखा था वेबसाइट पर मुझे लगा इसमें कोई लिक्विड होगा या यू नो समथिंग टू क्लीन द ब्रशेज बट इट इज लिटरली जस्ट दिस स्पॉन्ज एंड uh, इसमें कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट वगैरह नहीं है तो इट इज़ जस्ट कि आप अपना ड्राईली ब्रशेस को इसमें यू नो ऐसे ऐसे करो तो फिर आपके ब्रश पे जो पाउडर लगा होगा वो हट जाएगा तो आई डोंट थिंक ये क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए काम करेगा मैंने अभी तक यूज़ कुछ भी नहीं किया है तो आई कैन से वॉट वर्कस एंड वॉट नॉट दिस इज जस्ट होल वीडियो तो जो सेकेंड प्रोडक्ट मैंने मंगाया था वो पिलग्रिम पे बाई वन गेट वन चल रहा था तो मैंने ये दो प्रोडक्ट मंगाए हैं मैंने इन दोनों प्रोडक्ट का डिटेल में रिव्यू किया हुआ है आप चेकआउट करो एंड Uh, उस टाइम पे मुझे ब्रांड से पीआर आया था एंड मैंने दोनों प्रोडक्ट अपने पैसे से खुद मंगाए हैं अभी बिकॉज आई लव देम सो मच तो आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना ये है पिलग्रेम का रिडन एंड अगेन एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम विद ग्रीन टी एंड दिस इज़ देयर आर्गन ऑयल हेयर मास्क विद वाइट लोस्टस एंड कमीलिया तो ये प्रोडक्ट तो इसने मुझे उस टाइम पे हेयर फॉल पे काफ़ी हेल्प करी थी एंड आई एम गेसिंग कि इस बार भी करेगा एंड यू गाइज नो आई डोंट यूज कंडीशनर्स डेट मच आई प्रेफर हेयर मास्क तो ये एक हेयर मास्क है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो येस आई जस्ट गॉट ना वन ऑफ इट क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था तो पेलग्रिम से मैंने ये दो चीज़ें खरीदी है नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट फ्रॉम विश केयर ये है विश केयर का

यू नो इट इज़ अपेरेंटली गुड फॉर हेयर ग्रोथ तो मैंने ये मंगाया है एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे कि इससे एक्चुअली लोगों के बाल दोबारा से उगने शुरू हुए हैं एंड आई रियली रियली नीड सम हेयर बैक ऑन माई हेड ये मैं घर पर भी फर्मेंटेड आइस वाटर यूज़ कर रही हूँ एंड देन आई गॉड दिस ऑल्सो मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड फिर मैं आपको ट्राई करके बताऊँगी कि इफ़ इट वर्क्स और नॉट एंड देन उसके बाद मैंने दो प्रोडक्ट मंगाए रहने से Uh, क्योंकि उनका चल रहा था बाय वन गेट वन तो सबसे पहले मैंने मंगाया है का ये फोर इन वन लिप लाइनर इसके अंदर एक ऐसा पेन आता है जैसे हम बचपन में खेलते थे ना वो ब्लू रेड ग्रीन एंड ब्लैक उसी तरीके से है मैं वीडियो शूट कर चुकी थी एंड देखा कि रिकॉर्डिंग ही रुक गई थी तो दीज आर द यू नो सॉचेज इज इन द शेड मौका ये ब्राउन है देन वी हैव ग्रेप अ वेरी डीप प्लम मजेंटा कलर देन वी हैव मर्लॉट विच इज़ पीच ऑरेंज वाला कलर एंड देन वी हैव पियोनी विच इज अ ब्यूटिफुल पिंक कलर एंड uh, इसमें चार जो शेड्स हैं ना ये आपके मोस्टली सारे लिपस्टिक्स के साथ चले जाएंगे सो आई एम एक्साइटेड टू यूज इट काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और यू नो बटरी ग्लाइड हो रहा है आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट एंड कितना इसमें प्रोडक्ट है वो हम नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे ट्विस्ट करके प्रोडक्ट बाहर निकालूंगी तो ये वापस टूस्टों के अंदर नहीं जाता है सो आई विल यूज़ इट एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इफ़ इट इज़ वर्थ योर मनी और नॉट एंड देन उसके बाद मैंने बाई वन गेट वन में दूसरा प्रोडक्ट मंगाया ये बिकॉज ये फिफ्टी परसेंट ऑफ पर चल रहा था ये परफ्यूम सेट है इसमें चार नी ई डी पीज हैं एंड इट रिटेल्ड फॉर थाउजेंड रुपीज़ एंड आई गॉट इट फॉर फाइव हंड्रेड रुपीज़ एंड इसके जो ये दो वेरियंट है डार्क डिज़ायर और ब्लूम ये काफ़ी ट्रेंडिंग हो गए थे आई थिंक दीज आर ड्यूब्स फॉर सम हाई एंड परफ्यूम एंड देन इसमें ये दो शेड्स भी ये दो वेरियंट भी हैं दिस वंत हैज वेरी दैट ऊद अरेबिया के बाहर जैसी खुशबू आती है ना वैसा वाली uh, इसकी फ्रेग्रेंस है सो आई रियोली आई एम एन्जॉइंग यूजिंग दीज एंड यस uh, yes, जब मैंने ये मंगाया तो उनका कोई और भी ऑफर चल रहा था जिसमें मुझे एक फ्री भी मिला एंड जो मैंने आपको सेट में दिखा था ना उसमें एक रेड परफ्यूम था ये उसी का मिनी सैम्पल साइज है सो आई गॉट दिस वन एज अ फ्री बी उसके बाद मैंने इन साइट कस्मेटिक से दो प्रोडक्ट्स मंगाए तो दिस इज द मैट बुलेट लिपस्टिक मैंने इन साइट की लिक्विड लिपस्टिक यूज किया एंड इट इज वन ऑफ माई फेवरेट शेड फॉमुलेशन काफी अच्छा है इनके प्राइस आर जस्ट अनबीटेबल ये नाइनटी एम आर पी है बट मैंने तो और सस्ते में खरीदी है एंड दिस इज द शेड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल विंटर अप्रोप्रिएट शेड ब्राउन विद ब्रिक रेड अंडर टोन्स तो ये काफी मुझे कलर पसंद आया इट इज इन द शेड बॉर्नबॉन सो रियली रियली प्रिटी कलर एंड देन आई एंड इड अ बाइंग दिस इन साइड का फुल कवरेज कंसीलर एंड लुक एट द बॉटल ये जो टाट का शेप टेप कंसीलर है ना उसके जैसा इसका पैकेजिंग लग रहा है एंड मैंने देखा है इंटरनेट पे कि इट इज बींग सेट एज अ ड्यूब फॉर वेरी हाईन कंसीलर्स तो मुझे तो अभी कंसीलर की नीड नहीं थी बट अ फ्रेंड ऑफ माइंड अ फेलो क्रिएटर उसको भी बहुत पसंद आया था एंड शी वॉन्टेड माई ओपिनियन एंड माई रिव्यू ऑन दिस तो मैंने ये मंगा लिया बट गलती से मैंने एक शेड डार्क मंगा लिया है तो ये मेरी स्किन के ना एक शेड डार्क है बट ठीक है मैं इसको अपने किसी और कंसीलर के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकती हूँ या फिर मैं इसको फाउंडेशन से पहले लगा सकती हूँ टू कंसील माय अंडर आइज़ यू नो को आप यूज़ कर सकते हो टू कलर करेंट दिस इज़ इन द शेड एम जो कि मेरे लिए एक से दो शेड डार्क है एंड फिर दो प्रोडक्ट खरीदने पर मुझे ये एक फ्री भी मिला है दिस इज एन फ्रॉम अगेन इन साइड कस्मेटिक्स तो ऐसी पेंसिल है वेरी स्टैंडर्ड पैकेजिंग नॉट सो बूजी नॉट सो चीप एंड इसमें एक साइड में ऐसा पेंसिल है अगेन जो शुगर का आर आर्च एल आईवर है ना उसके जैसा इसका ट्राइंगल टेप है एंड इस साइड पे स्पूली है सही है बस मुझे ब्राउन कलर के आई आई ज्यादा पसंद है ये ग्रे में है बट आई थिंक इट विल वर्क इफ आई डू अ वेरी कूल टोन्ड मेकअप लुक तो यस इट इज अ गुड पेंसिल वेरी पिगमेंटेड एंड ऑल बट आई डिड नॉट लाइक द शेड दैट मच नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था मिनिमलिस्ट से जिसपे चल रहा था बाई टू गेट वन मिनी प्रोडक्ट फ्री तो मैंने बट उसमें कुछ घपला हो गया था एल जस्ट टेल यू तो पहला प्रोडक्ट मैंने मंगाया था ये मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स ये एक हेयर सीरम है तो आपके बाल जैसे मेरे बाल देखो ऐसे एकदम यहाँ यहाँ से ना ड्राई डैमेज हीट डैमेज वगैरह की वजह से बॉन्ड्स हमारे डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से, से फ्रिज आ जाता है तो ये उसको सही करता है एंड इसके बहुत अच्छे रिव्यूज थे कि ये एक्चुअली लोगों के लिए काम किया है एंड uh, मेरे को शायद से डिस्काउंट पर भी मिला था इसकी फाइव एम आर पी है फॉर फिफ्टी एम एल प्रोडक्ट एंड जो इसके अंदर का प्रोडक्ट है उसकी बॉटल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है सो फॉर द प्राइस दैट आई पेइंग आई थिंक इट इज़ वैल्यू फॉर मनी इफ दिस प्रोडक्ट वर्क इतनी बड़ी बॉटल है एंड आई एम एक्साइटेड टू यूज ऑल माई न्यू हेयर केयर प्रोडक्ट एंड गिव यू रिव्यू ऑफ वॉट इज़ वर्किंग एंड वॉट इज नॉट तो मैंने ये मंगाया था एंड इसका ना एक बॉन्ड रुपया शैम्पू भी आता है आई एम नॉट श्योर कि वो कितना अच्छा है तो मुझे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना था बट मुझे वो मिनी में ना फ्री मिल रहा था तो आई वाज वेरी एक्साइटेड तो मैंने इसके साथ मिनिमलिस्ट का एक हेयर ग्रोथ हेयर पेप्टाइड करके एक यू नो सीरम है स्कैप uh, सीरम है तो मैं वो मंगाने लगी थी एंड uh, uh, वो मंगाया एंड देन मैंने देखा कि जो मेरा फ्री भी था वो नहीं मिल रहा था आई डोंट नो आउट ऑफ स्टॉक था या क्या था दई वॉज लाइक देन वोट इज़ द पॉइंट ऑफ यू नो गिविंग दैट ऑफर टू द कस्टमर तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी नायका की बट फिर मैंने वो प्रोडक्ट इसलिए भी कैंसिल कर दिया था उसकी जगह पे फिर मैंने ये वाला मंगा लिया था क्योंकि इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं इसके मुझे नेगेटिव रिव्यू नहीं दिखे बट मिनिमिलिस्ट वाले में लोगों ने बहुत बार बोला है कि उसको जब स्टार्टिंग में लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था तो उनका हेयरफॉल और ज़्यादा बढ़ गया था एंड जब उन्होंने मिनिम के कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने बताया कि दिस इन्ग्रीडियंट जो कि उस सीरम uh, uh, में है वो आपके हेयर फॉल को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फॉर सम रीज़न बढ़ा देता है एंड देन वो आपके हेयर फॉल को सही करता है तो अगर मेरा और हेयर फॉल हो जाता तो मैं तो फिर बचते नहीं बाल सर पे तो फिर आई डेंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क तो फिर मैंने वो नहीं मंगाया एंड एंड में मैंने मंगाई ये दो कलर बाल के नेल पेंट रिमूवर दिज आर द ओनली नेल पेंट रिमूवर्स दैट आई यूज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसमें वाइटमिन ई e है एंड इसमें एसिटोन नहीं है तो ये आपके नेल्स को नरिश करके रखते हैं ड्राई नहीं होने देते तो आई रियली रियली लाइक दिस नेल पेंट रिमूवर लाइक दिस इज़ द ओनली नेल पेंट रिमूवर आई यूज़ ये मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने दो स्टॉक के लिए मंगा लिए थोड़ी सी इसकी पैकेजिंग मुझे इस बार चेंज लग रही है बट येस दिस वॉज ऑल इन माई नाइका का डब्बा नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर एमेजोन हॉल सो so, Amazon से भी अगेन मैंने मोस्टली अपने हेयर केयर से ही रिलेटेड चीज़ें मंगाई हैं तो सब मैंने ना इनकी पैकेजिंग खोल दी है जो आउटर पैकेजिंग थी क्योंकि मैं इनको यूज़ करने लग गई थी सो so, सबसे पहले मैंने ये स्पाक एप मंगाई है एंड इसके अंदर ये आ, प्लास्टिक लाइनिंग है यहाँ पे चेन है जिससे आप इसको डिटैच करके वॉश कर सकते हो इसको आप वॉश आई थिंक नहीं कर सकते बिकॉज इसी के अंदर सारी वायरिंग वगैरह है सो इट कम्स विद दिस कॉड एंड दिस कंट्रोलर तो आपको क्या करना होता है कि बालों में कंडिशनर या ऑयल लगाने के बाद यूजली uh, कंडिशनर लगाने के बाद ही मैं इसको यूज़ करती हूँ कंडिशनर लगाने के बाद मैं अपने जो मेरा टाल है हेयर टाल उसको मैं वॉम वाटर में अच्छे से भिगा के स्क्ज करके अपने बालों में लगा के बन बना लेती हूँ एंड उसके ऊपर से मैं इसको लगा के देन मैं इसको प्लग इन कर देती हूँ हाई सेटिंग पे मेरे लिए तो हाई वर्क कर रहा है बट आप देखो कि आपके लिए क्या अच्छे से वो करता है तो इसमें दो टेम्परेचर सेटिंग है मीडियम एंड हाई तो आप अपने हिसाब से इसको 10-15 मिनट रख सकते हो एंड उससे क्या होता है कि हीट की वजह से जो हेयर ऑयल है या हेयर कंडीशनर है वो आपके क्यूटिकल्स वग़ैरह ओपन हो के हेयर फॉलिकल्स क्यूटिकल्स में अच्छे से अंदर तक जाता है एंड सारा कंडीशनर आपका हेयर अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड हैंड्स आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूद हो जाते हैं एंड बॉन्स भी रिपेयर करने में हेल्प करता है देन सेकेंड थिंग अगेन अपने बालों के लिए मैंने मंगाया दिस इज दिस कोम बाई नैट इनकी कच्ची नीम कोम है जिस विच इज ट्रीटेड विद ऑयल एंड इट की दिस विद्ड ऑयल्प कंट्रोल फॉर एंड ऑफ माई मेजर कंसर्न एंड एनेबल हेयर ग्रोथ विच आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एंड प्लस इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी तो मैंने प्लास्टिक की कोम यूज करनी छोड़ दी है वुडन हेयर कोम एंड इट फील्स नाइस एंड जैसे प्लास्टिक की कोम चुभती है वैसे नहीं होता पता नहीं चलता है वेरी वेरी यू नो सॉफ्ट ऑन द स्कैल बट इट्समेल्स वेरी वेरी बैड लाइक प्योर आयुर्वेदिक चूरन जैसी इसकी स्मेल आ रही है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही बट आई थिंक एंड्रफ एंड हेयर फॉल की हेल्प करेगा एंड इसमें लिखा हुआ है कि सोक यम इन एनी प्योर हेयर ऑयल वंस अ मंथ Keep it away from direct heat or sunlight. It is advisable to change your neem comb every six months to one year. Okay, I didn't know that, but it's good ki maine abhi पढ़ liya ye So this was the second product. Now again I got this wax stick. तो अभी क्योंकि मेरे सारे बाल झड़ गए थे and अभी मेरे सारे new बाल आने लग गए हैं. तो if I show you like this, I have a lot of baby hair. If you can see. एंड इनके साथ बाल बनाना बहुत मुश्किल है लाइक आई एम नॉट एबल टू डू एनी गुड हेयर स्टाइल्स और समथिंग क्योंकि कुछ भी बना लो ये निकल के आ जाते हैं सो आजकल मैं पोनीज ही बना रही हूँ एंड सो वट यू हैव यर इज इसके ऊपर ऐसा कैप लगा हुआ है वन यू ओपन इट इधर से पुश करने पर आपकी वैक्स स्टिक बाहर आ जाती है एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई द स्टिक एंड ऑल द बेबी हेयर विल स्टिक टू योर हैड यू नो जस्ट लाइक अ नॉर्मल वैक्स वैसे ही ये काम करता है बस इसको ना अंदर डालने के लिए वापस मुझे ऊपर से दबाना पड़ रहा है सो so, यस yes, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग वायरल प्रोडक्ट हो रखा है आजकल एंड इट एक्चुअली वर्क्स लुक मेरे सारे बाल ऐसे चिपक गए तो आजकल मैं एकदम ऐसे आगे से क्लीन और फिर पीछे से फ्लफी सी पोनी बना लेती हूँ एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट अगेन इज फॉर माई बेबी हेयर इट इज़ दिस टीज़र कोम ये कुछ ऐसी दिखती है टीज़र ब्रश है ये एंड uh, इससे क्या आपके बालों पे शाइन आती है एंड ऑल्सो जैसे वैक्स वगैरह लगाने के बाद मैं इस पर ऊपर से कर लेती हूँ तो इट गिव्स यू दैट वेरी स्लीक क्लीन गर्ल लुक जैसे दीपिका पादुकोण वगैरह का बन है वो आपके नॉर्मल कोम से नहीं बनेगा बट इफ़ यू टीज इट विद दिस ब्रश uh, तो आपके बालों को एकदम क्लीन और स्लीक सा लुक मिलता है सो हेयर वैक्स और दिस यू नो डज़ माय हेयर गुड दिस डेज आईव बीन लविंग इट एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई गॉट आर अ थ्री पैक्स ऑफ साफे सान आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस ब्रांड बट देर आईब्राउ टच अप रेजर नाउ मैंने काफ़ी सारे ब्रांड के यूज किए बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा नहीं सब में आई एंड अप यूजिंग दीज वीज आर वेरी यू नो पतला पतला से ऐसा कुछ फैंसी एंड बोझी से नहीं है एंड दीज आर द ब्लेड इट वर्क रियली वेल शार्प ब्लेड्स हैं एंड इसमें ऐसा यू you नो know, वो एग्जैक्ट पैटर्न है सब कुछ है अच्छा है एंड प्लस ये काफी ज्यादा इनएक्सपेंसिव है तो इसलिए मैं इसको मंगाती हूँ रिटेल्स फॉर वन फोटी नाइन रुपीज़ बट सेल वग़ैरह पे सस्ते मिल जाते हैं अमेज़न पे तीन का पैक ही मिलता है सिंगल सिंगल नहीं ले सकते सो दीज आर द यू नो रियली अफोर्डेबल ऑप्शन तो आई शेव माई फेस तो मुझे काफ़ी सारे लगते हैं तो मैंने तीन का सेट था तीनों का ही मंगा लिया काफ़ी मुझे इन मिल गया था सो येस दिस इज़ ऑल दैट आई हैव यू नो परचेज इन द लास्ट फ्यू वीक्स अगर आपको हॉल वीडियो पसंद आया और आपको और हॉल वीडियोज चाहिए नीचे कॉमेंट्स पर बताना अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो अगर इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता देना आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो सेल्दी बाय बाय